जय जिनेंद्र बच्चों, क्या आपको पता है हम कितने लकी हैं? हम एक अच्छी फैमिली में बॉर्न हुए हैं, इसलिए हमें अपनी लाइफ भी एक अच्छे इंसान की तरह स्पेंड करनी चाहिए। पर हम अच्छे इंसान कैसे बने? चलो मैं आपको आपके नए दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है मयंक और ये है अंजलि। टीटी, एक बात पूछूं? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपको सब पसंद करते हैं, मैं क्या करूं कि मैं भी आपकी तरह अच्छा पर्सन बन जाऊं? मयंक, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी, मगर उसके लिए तुम्हें कल का पूरा दिन मेरे साथ रहना है। ठीक है दीदी। चलो अब सीक्रेट बताने का टाइम आ गया है, अब ध्यान से सुनो। सुबह उठते ही हम सबसे पहले वीतराग भगवान का ध्यान करना चाहिए और नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। फिर हमें ब्रश करके, नहा के, क्लीन क्लोथ्स पहन के, हाथ में सामग्री लेकर जिन मंदिर जाना चाहिए। हमें मंदिर के बाहर अपने शूज और स्लिपर्स खोलने चाहिए, फिर पानी से अपने हैंड्स और लेग्स वॉश करके मंदिर जी में जाना चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी टेंपल के अंदर हमारे साथ ना आ जाए। दीदी, हमारे मंदिर में आते ही क्या करना चाहिए? हमें मंदिर में एंटर करते वक्त 3 times निस्सही 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 बोलना चाहिए, फिर भगवान के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद ओम जय 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 नमोस्तु 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 बोलना चाहिए, फिर नमोकार मंत्र पढ़कर ढोक देना चाहिए। ओके दीदी। गुड, अब अर्घ बोलकर सामग्री चढ़ानी चाहिए। मयंक, इसके बाद तुम्हें जो भी स्तुति याद हो वह स्तुति बोलते हुए भगवान की 3 प्रदक्षिणा या परिक्रमा देना चाहिए। फिर बैठकर भगवान के सामने हमने जो भी गलत काम किए हैं, गुस्सा किया है, झगड़ा किया है किसी से, वो उनके सामने बोलना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कभी गुस्सा ना करें, मम्मी पापा की बातों को माने और एक दिन हम भी भगवान जैसे बन जाएं, एकदम पीसफुल और ब्लिसफुल। और उनके सामने अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं आज कोई गलत काम नहीं करूँगा, सबकी रिस्पेक्ट करूँगा। ऐसा काम करने से हमारे अंदर की एरोगेंस कम हो जाती है और हम पूरा दिन अच्छे पर्सन की तरह बिताते हैं। अब काम क्या करना चाहिए दीदी? इसके बाद हमें गंधोदक लगाना चाहिए। चलो मेरे साथ बोलो, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। इसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए और मंदिर में रखे हुए शास्त्र को जरूर पढ़ना चाहिए। इन शास्त्रों में अच्छे पर्सन बनने की बहुत सारी बातें मिलती हैं। दीदी, मुझे पानी पीना है। मयंक, ठीक है, घर पर चलकर हम छना हुआ पानी पियेंगे। छना हुआ मतलब? पानी की एक ड्रॉप में बहुत सारे जीव होते हैं जो कि हमें अपनी आंख से दिखाई नहीं देते। बिना छना पानी पीने से वो बेचारे जीव मर जाते हैं और हमारी हेल्थ भी बिगड़ती है। साइंटिस्ट ने भी बिना छने पानी की एक ड्रॉप में 36,450 जीव बताए हैं, इसलिए मोटे कॉटन क्लोथ को डबल करना चाहिए जिससे सन रेज ना दिखें, और इससे पानी छानना चाहिए। वाह दीदी, आपने कितनी अच्छी बात बताई। अब से मैं अपनी सारे फ्रेंड्स को बोलूँगा कि हमेशा पानी छान कर पिएं। आ जाओ मयंक, हम सब मिलकर मम्मी की खाना बनाने में हेल्प करें। दीदी, पर इतनी जल्दी, अभी तो डिनर में बहुत टाइम है। नहीं मयंक, रात को खाना नहीं खाना चाहिए। दीदी क्यों, इसमें क्या गलत है? अब देखो, दिन में सनरेज से जीव उत्पन्न नहीं होते, जैसे हम देखते हैं रेनी डेज में सनसेट होते ही लाइट बल्ब पर कीड़े आने लगते हैं, जबकि वो दिन में नहीं आते। इससे समझ आता है कि दिन में जीव कम होते हैं, इसलिए हमको भी दिन में ही कुक करना चाहिए और खाना खाना चाहिए,
नाइट में भोजन करके सो जाने पर डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है, इसलिए भोजन हमेशा दिन में ही करना चाहिए। एक अच्छा पर्सन हमेशा दूसरे के अच्छे के बारे में भी सोचता है ना? जी दीदी, मैं आपकी इन बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा और आपकी तरह एक अच्छा पर्सन बन जाऊंगा। जय जिनेंद्र।